लोग उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। जब भी उनका नाम आता है तो बताया जाता है कि वो करुणा, दया और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति थी। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और कांग्रेस सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महिला को मदर यानी माँ बताकर हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता पर थोपा गया, उसका असली चेहरा क्या था? आगे जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें हमने मदर टेरेसा के साथ काम कर चुके डॉक्टर अरूप चैटर्जी के हवाले से लिया है। अरूप चैटर्जी ने कलकत्ता और देश के अलग अलग इलाकों में मदर टेरेसा और उनके मिशनरीज ऑफ चैरिटी के काम को बहुत निकटता से देखा था और जो कुछ उन्होंने देखा उसके बाद उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने अपने अनुभवों पर दो पुस्तकें लिखी जिनके नाम है मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी और मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट। इन पुस्तकों में उन्होंने टेरेसा की काली दुनिया के बारे में ढेरों अकाट्य तथ्य रखे हैं। भारत में आए दिन आप गरीबों के इलाज के नाम पर अंधविश्वास और धर्मांतरण का जो खेल देखते हैं उसकी शुरुआत टेरेसा ने ही की थी। वे गरीबों का इलाज जादू टोने से करती थी। लोगों को बताया जाता था कि उनकी बीमारियों का कारण हिंदू देवी देवता हैं। टेरेसा दुनिया भर से गरीबों के नाम पर फंड लाती थी लेकिन कलकत्ता में उन्होंने एक भी ढंग का अस्पताल नहीं बनवाया। टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी के सेंटर्स में गरीबों पर नई दवाइयों के परीक्षण कराए जाते थे, यानी मजबूर लोगों को गिनी पिग बनाया जाता था। कई बार उन लोगों की मौत हो जाया करती थी। टेरेसा कहती थी कि जीसस ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन वर्ष 1991 में मदर टेरेसा खुद बीमार हुई तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के अस्पताल में जाकर इलाज करवाया। टेरेसा के सेंटर जीवन से अधिक मृत्यु की जगह बन गए थे। वहां लाए जाने वालों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वर्ष 1992 में मेडिकल जर्नल लैंसेट के संपादक रॉबिन फॉक्स ने लिखा कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के सेंटर्स में साधारण पेन किलर दवाएं तक नहीं होती। मामूली मरीजों को भी एहसास दिलाया जाता था कि वो बस कुछ दिन के मेहमान हैं और उनके कष्टों का कारण उनका पिछला धर्म यानी हिंदू होना है। उपचार न मिलने के कारण हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती थी, जबकि उन्हें सामान्य दवाओं और देखभाल से ठीक किया जा सकता था। मिशनरी ऑफ चैरिटी के सेंटर्स में उन्हीं गरीबों को खाना दिया जाता था जो ईसाई बनना स्वीकार करते थे। डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने बताया कि कोलकाता सेंटर में मात्र 300 लोगों के लिए खाना बनता था, लेकिन टेरेसा प्रचार करती थी कि वे हर दिन हजारों लोगों का पेट भर रही हैं। टेरेसा जिन गरीबों के बच्चों को अपने सेंटर्स में लेती थी उनके माँ बाप से एक फॉर्म भरवाया जाता था कि अब उनका अपने बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा। कुछ को यूरोप भेज दिया जाता था जिनका बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आज भी टेरेसा के सेंटर्स पे बच्चे चोरी करने और उन्हें अवैध तरीके से बेचने के आरोप लगते रहते हैं। आरोप है कि बच्चे बेचना टेरेसा की कमाई का एक बड़ा माध्यम हुआ करता था। वर्ष 1992 में टेरेसा ने खुद दावा किया कि मैंने अब तक 29,000 हिंदुओं को ईसाई बनाया है। ये सारा काम मानवता और सहायता की आड़ में किया गया। उस दौर में देश में कांग्रेस और वामपंथी दलों की सरकारें हुआ करती थीं, जो टेरेसा के मिशनरी नेटवर्क को भरपूर सहायता दिया करती थीं। उनके अवैध कामों पर कभी कोई रोक टोक नहीं की गई। पादरी डोनाल्ड मगवायर मदर टेरेसा का आध्यात्मिक सलाहकार हुआ करता था। उस पर 11 साल के एक लड़के की यौन शोषण का आरोप लगा, लेकिन टेरेसा के समर्थन से वो छूट गया। टेरेसा एकमात्र ऐसी भारत रत्न है जिन्होंने देश को तोड़ने का षड्यंत्र भी रचा था। पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद का बीज टेरेसा नाम की इस कथित संत ने ही बोया था। वे नॉर्थ ईस्ट को अलग ईसाई देश बनाना चाहती थी। उनका मानना था कि यीशु के निकट आने के कारण भारत सरकार वहां के लोगों की दुश्मन बन गई है। इंदिरा गांधी ने टेरेसा की गतिविधियों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। परिणाम ये हुआ कि जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो उनके समर्थन में सबसे पहले टेरेसा का बयान आया। दुनिया के सबसे भ्रष्ट तानाशाह टेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटी को सबसे ज्यादा फंड दिया करते थे। हथियार कंपनियां और ड्रग्स तस्कर भी टेरेसा को खूब चंदा देते थे। इनका बड़ा हिस्सा भारत में लोगों को लालच देकर ईसाई बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। टेरेसा भारत में रहती थी
लेकिन अपना सारा पैसा वो वेटिकन के बैंकों में रखा करती थी। मरने के बाद भी उनका ये पैसा भारत नहीं आया। वर्ष 2017 में ये समाचार आया था कि यदि टेरेसा के पैसों को निकाला जाए तो वेटिकन के बैंक खाली हो जाएंगे। वर्ष 2016 में वेटिकन ने टेरेसा को संत की उपाधि दी थी। जिन दो चमत्कारों के आधार पर उन्हें संत घोषित किया गया वो दोनों फर्जी साबित हो चुके हैं। दावा किया गया था कि पेट में ट्यूमर से जूझ रही पश्चिम बंगाल की एक महिला मोनिका बेसरा ने एक दिन अपने लॉकेट में मदर टेरेसा की फोटो देखी। उसके बाद उसका ट्यूमर पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन जिन डॉक्टर्स ने मोनिका बेसरा का इलाज किया था उनका कहना है कि टेरेसा की मृत्यु के कई साल बाद भी मोनिका दर्द सहती रही थी। इस दौरान वो लगातार दवाएं लेती रही। दूसरा दावा ब्राजील के एक व्यक्ति के बारे में किया गया था, बाद में वो भी फर्जी निकला। टेरेसा के अंधविश्वासों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वे अपने हर प्रवचन में बताती थीं कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया तो कहा, बाइबल में लिखा है इसलिए यही सही है। टेरेसा आधुनिक विज्ञान की बातों को मानने के बजाय बाइबल में लिखी मूर्खतापूर्ण और दक्यानुसी बातों को ही मान्यता देती रही। यह विडंबना ही है कि साधु संतों और विदुषियों के देश भारत में एक ढोंगी को इतना मान सम्मान दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईसाई थी और उसके सिर पर विश्व के शक्तिशाली देशों का हाथ था।